भाभी भाभी उठो ना। अरे भाभी उठो। अरे क्या है पारुल, सुबह सुबह नींद क्यों खराब कर रही है, जाके अपना काम कर लेना। भाभी भैया है ना ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, तो आप फटाफट नाश्ता बना दो, उनका भी और मेरा भी। मैं कोई नाश्ता वास्ता नहीं बनाने वाली, जाए यहाँ से। भाभी बना दो ना नाश्ता, भैया लेट हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, लेट हो रहे हैं तो। भाभी अभी आपका घर नहीं है, ये आपका ससुराल है, तो यहाँ पे आपको काम करने पड़ेंगे। मैं जैसी पहले थी ऐसी अब रहूंगी, और जाके अपना काम कर ले, और मेरे को काम बताने की कोई जरूरत नहीं है। और सुन, जो बना रही है ना मेरे लिए भी बना लियो, जा। नींद खराब कर दी। जी सर। सर मैंने फाइल की फोटो सेंड कर दी आपके पास, आप एक बार जरा देख लीजिए उसको। जी सर, मैं बस अभी निकल रहा हूँ घर से सर। ओके। अरे पारुल। हाँ जी भैया। भाई वो देखियो तेरी भाभी ने नाश्ता बना दिया, एक बार डाल दे मेरा भी, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। नाश्ता? पर भैया भाभी तो सो रही है। क्या, वो अभी तक सो रही है? कोई बात नहीं, मैं आज कैंटीन से नाश्ता कर लूंगा। अरे नहीं भैया रुको, मैं 2 मिनट लगाती हूँ, नाश्ता पैक करके ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं वैसे भी लेट हो रहा हूँ, तो एक काम कर, मैं ना ऑफिस में कर लूंगा आज कैंटीन से। अरे भैया मैं 1 मिनट लगाऊंगी, टिफिन पैक करके ले आती हूँ अभी। अरे भाई पारुल, मैं पहले बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ, तो एक काम करना, अपनी भाभी को उठा दे और घर का जो भी काम बचा हुआ अपना दोनों मिलके कर देना, ठीक है? मैं शाम को जल्दी आता हूँ। ठीक है भैया। यार ये भाभी भी कैसी आ गई घर में, जो कोई किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती। अब भैया भी भूखे पेट घर से जा रहे हैं ऑफिस, ऐसा कभी कोई करता है? देखती हूँ भाभी अब उठ के होगी। अरे यार सारी नींद खराब करके चली गई ये लड़की। एक काम करती हूँ, सिगरेट पी लेती हूँ, कोई आ तो नहीं रहा। भाभी अजीब सी स्मेल कैसी हो रही है, और इतना धुआं धुआं भी हो रहा है। अरे वो मैंने ना बत्ती जलाई थी, वो ना मच्छर बहुत हो रहे थे इसलिए। पर ये स्मेल तो कुछ अजीब सी है, मैंने पहले तो कभी स्मेल नहीं करी। अरे तू ज्यादा दिमाग मत लगा, तेरे भैया चले गए ना ऑफिस? हाँ भाभी भैया तो गए, मैं आपको यही बताने आई थी, पर भैया है ना भूखे पेट चले गए हैं। अच्छा तो मैं क्या करूँ, जाके कुछ बना ले मेरे लिए तो बना दे। तो भाभी आप बना लो ना। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, जा मेरे लिए कुछ बना ले, लेक्चर मत दे मेरे को। भाभी अब तो आप उठ भी गए, अब आप कर सकते हो, मैं कैसे करूं, मेरा हाथ भी नहीं जाता स्लैब तक। पटड़े पे चढ़ के बना ले, पर बना ले। आज तो बच गई, अगर इसको पता चल जाता ना तो भैया को बता देती अपने। अच्छा हुआ देखा नहीं इसने कि मैंने सिगरेट यहाँ पे छुपाई है, घनी जासूस बनती है ये भी। ना पारुल, मैंने कितनी बार बोला है तुझे, तू आराम से बैठी रह कर, क्यों काम करती है? मैं हूं ना, मैं किस लिए आई हूं? जा तू जाके बैठ, मैं लगा लेती झाड़ू, ठीक है? अरे क्या बात चल रही है नंद भाभी की? अरे आप आ गए? हाँ। लाओ बैग मुझे दे दो, आप बैठो मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है। और पारुल कैसा रात तेरा पूरा दिन? भैया मेरा दिन तो अच्छा रहा, आपने खाना खा लिया था? हाँ मैंने कैंटीन में खाना खा लिया था, पर यार आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, थक गया मैं बिल्कुल। कोई बात नहीं, भाभी अभी आ रही है पानी लेके। ये लो पानी। बैठ जाओ, थक गए होगे तुम भी आज पूरा दिन काम करके। हाँ थक तो गए हैं, वैसे भी पारुल ने भी काम करवाया मेरे साथ। चलो अच्छी बात है, एक दूसरे का साथ दोगे, एक दूसरे को समझ पाओगे।
फिर आप खाना बना लो, खाना एक साथ ही खाएंगे। ठीक है भैया। अरे ओए, तू किधर जा रही है? मैंने बोला तेरे को जाने के लिए, चुपचाप झाड़ू लगा। वो तो तेरे भैया आ गए थे इसलिए मैं ऐसे कर रही थी। झाड़ू लगा ले चुपचाप, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाभी आप लगा रही थी तभी मैंने सोचा मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, सुबह से तो मैं ही काम कर रही हूँ सारा। अच्छा, सारा काम कर रही है? झाड़ू लगा ले फटाफट, खाना भी बनाना है तुझे ही। हेलो। हाँ भाई। अरे यार सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था। अच्छा चल, तू एक काम कर, तू ना गाड़ी निकाल, मैं भी 5 मिनट में पहुंचता हूँ तेरे पास। अरे बस निकल गया, मैं घर से निकल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, निकाल ले गाड़ी। अरे सोनिया, मैंने एक काम के लिए अपने दोस्त के साथ बाहर जा रहा हूँ और शाम को आने में लेट हो जाऊंगा, अपना और घर का ध्यान रखियो। ठीक है जाओ। हेलो। हेलो। हाँ मोनू। हाँ बोलो, क्या हुआ? आज वो घर पे गया मेरा हस्बैंड। तू पागल हो क्या? मरवा हो गया घर पे, वो भी तुम्हारे? अरे आ जा, वो नहीं आएगा शाम तक भी। चल ठीक है, देखता हूँ यार, पर तू फसला मत दियो। अरे कुछ नहीं होता। और सुन, सिगरेट भी ले आई हो? चल ठीक है, आता हूँ। ठीक है जल्दी आ। ओके यार, तुम पागल हो गया, घर पे मत बुलाया करो, अगर किसी दिन देख लिया ना किसी ने तो दोनों का बुरा हाल होगा। यार तुम इतना डरते क्यों? कुछ नहीं होगा। पारुल। हाँ जी भाभी। कहाँ मरी रहती है तू? तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मेरा फ्रेंड आया, ठंडा पानी कुछ ले आ। कौन है ये? अरे मेरी नौकरानी है। भाभी मेरा तो हाथ ही नहीं जाता ना ऊपर स्लैब पे, ग्लास तो ऊपर रखे है। अबे यार कम से कम नौकरों को तो देख के रखा कर, इसकी हाइट देख, जब इससे कुछ काम ही नहीं होता तो इसको क्यों रख रखा है तूने घर पे? अरे यार फ्री की नौकरानी है, रोटी पानी में काम करती है, पैसे नहीं लेती पागल। आजकल ऐसी नौकरानी मिलेगी कहाँ से? जा जाके अपना काम कर और जल्दी लेके आ फटाफट। फ्री में नौकरानी मिलेगी कर करो। और यार पैसे भी नहीं दिए जाते। झाड़ू पोछा तो लगा ही देती होगी घर में ना? सब काम कर लेती है, इसको हंगे दे के करवाना पड़ता है, ऐसे तो नाटती है काम करने के लिए। अरे यार मैंने तेरे को बोला था सिगरेट लेकर आई, लेके नहीं आया क्या? अबे लाया हूं ना यार। तो जला ना। इतनी देर लगती है क्या लाने में? जा अपना काम कर। और हाँ सुन, कुछ बना ले खाने का अच्छा सा, जल्दी जा, मेरे को कोई बहाना नहीं चाहिए। ये क्या चल रहा है मेरे घर में? अरे आप, आपका भाई? मैं तो अभी आया, देखिए घर में चल क्या रहा है, उठो ले लड़का। ये मेरा कॉलेज का फ्रेंड है। कॉलेज का फ्रेंड? फ्रेंड ऐसे बैठते साथ में, ऐसे सिगरेट पी जाती है उनके साथ बैठ के? वो मैं नहीं पी रही थी, वो ही पी रहा था। झूठ बोल रहा है मेरे सामने, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम अपने दोस्तों को बुलाओ और उनके साथ यहाँ पे अय्याश करो। सॉरी मैं खुद इस घर में रहने का तुम्हें कोई हक नहीं है, निकल जाओ बिना भी मेरे घर से। सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। ये तो शुक्र है मैं अपनी एक इंपॉर्टेंट फाइल जल्दबाजी में घर भूल गया था, वरना तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने कभी नहीं आता। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। पारुल तू भी मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी, अपने भैया को समझाना। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, वो तो भाभी का सिर्फ खाली नॉर्मल दोस्त था। पारुल तू इसकी ज्यादा साइड मत ले, मैं सब कुछ अपने कानों से सुन चुका हूँ, आंखों से देख चुका हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बोल रही हूँ ना आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। कोई नहीं भैया, भाभी को माफ कर दो। देखो जिसके साथ तुमने इतना बुरा सुलूक किया ना, वही तुम्हें माफी देने के लिए बोल रही है, वरना तुम्हें तो एक मिनट से पहले धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता। भाभी आप ले जाना, आराम कर लो, मैं भैया से अपना बात कर लूंगी। कोई नहीं, मैं खाना बना लेती हूँ। पारुल तू बैठ जा। नहीं मैं भैया से बात करता हूँ।